के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे गोरखपुर, किया गुरुओं का पूजन, लिया आशीर्वाद। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का पर्व है गुरु पूर्णिमा। गोरक्षपीठाधीश्वर सभी लोगों से संकल्प लेकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने का किया आह्वान। चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुए इंसेफ्लाइटिस के रोकथाम सहित अन्य योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन संबंधित बैठक। कहा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज बनेगा आदर्श मेडिकल कॉलेज, होगा सुविधाओं में इजाफा। एडीएम एफआर की अध्यक्षता में संपन्न हुई 18 जुलाई को होने वाले मेगा मार्क ड्रिल की तैयारी बैठक। सभी विभागों के अधिकारियों को तैयारी का आकलन करने के दिए निर्देश। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने किया इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण, व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। कहा, बीआरडी में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर कर दी गई हैं 150, जो गोरखपुर के लिए है एक बड़ी उपलब्धि। स्वतंत्र देव सिंह को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय पर जश्न। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व मिठाई बांटकर मनाया जश्न। सीडीओ अनुज सिंह की अध्यक्षता में सदर तहसील के सभागार में आयोजित हुआ जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस। 170 में 13 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। बनकटवा स्थित प्राथमिक स्कूल के बच्चों को किया गया ड्रेस का वितरण। पैक्स फेड के निदेशक मार्कंडे राय ने कहा, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने को कटिबद्ध है प्रदेश की योगी सरकार। बीआरडी मेडिकल कॉलेज परिसर में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव रजनीश दुबे ने किया पौधारोपण, दिया स्वच्छ पर्यावरण का संदेश। एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में दो पहिया वाहनों की चलाई गई सघन चेकिंग। यातायात नियमों के पालन करने के दिए गए निर्देश। बिना हेलमेट बाइक चालकों के काटे गए चालान। निजीकरण एवं निगमीकरण के विरोध में रेलवे मजदूर यूनियन के कर्मचारियों ने निकाली बाइक रैली, प्रतीकात्मक पुतला दहन कर जताया विरोध। और गुरु कृपा परिवार के तत्वावधान में आयोजित हुआ गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिशुओं ने किया अपने गुरु का पूजन, लिया आशीर्वाद।